नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती चौहान आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी जो कक्षा 10 की विषय हिंदी की वर्कशीट आई है कार्यपत्रक नंबर 27 और जिसकी दिनांक है 4 सितंबर 2020 उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर भी देंगे जो भी इसमें प्रश्न दिया गया है। देखिए, पिछले कार्यपत्रक में हमने पत्रों के बारे में जाना था कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों की हमने विशेषताएं भी देख ली थी और उसको लिखने के हमने प्रैक्टिस भी करी थी, हमने एक पत्र भी लिखा था। और ये जो आज का आपका कार्यपत्रक आया है इसमें हम अनौपचारिक पत्र जो होता है, अनौपचारिक पत्र जो लेखन है उसकी विशेषताएं भी जानेंगे और उसको लिखने का प्रयास भी करेंगे, लिखने का अभ्यास भी करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं अनौपचारिक पत्र की क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होती हैं। सबसे पहली बात, इसमें व्यक्तिगत सुख दुख और अनुभव का विवरण होता है, ठीक है। इसमें बताया जाता है कि हम मतलब अपने दुख सुख शेयर कर सकते हैं, अपने अनुभव लिख सकते हैं। इसमें तथ्यों के साथ साथ आत्मिक भावों को भी महत्व दिया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था औपचारिक पत्र, उसमें तो केवल तथ्यों को महत्व दिया जाता है, लेकिन इसमें जो हमारे इमोशंस हैं, जो अंदर की फीलिंग्स हैं, उसमें भी इक्वल इम्पोर्टेंट है। इसलिए तो ये पत्र प्रेम भाव और विचार विमर्श के लिए लिखा जाता है। इन पत्रों को अगर हमें किसी को दिखाना हो कि हम कितना प्यार करते हैं, तुम्हें मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, या फिर कोई हमें बात की सलाह लेनी है, तो इसलिए भी इन पत्रों को लिखते हैं। इसकी भाषा शैली अनौपचारिक होती है। भाई देखो, अनौपचारिक तो होगी, इसमें कोई फॉर्मेलिटी तो हो नहीं सकती अगर हमें अपने भाव देने हैं, क्योंकि अगर हम फॉर्मेलिटी यूज़ करेंगे, औपचारिक बातें लिखेंगे, तो फिर वो अपने भाव कैसे आएंगे। तो ये इसमें जो भाषा शैली होती है ऐसी ही होती है जैसे हम किसी से बोलते हैं, बात करते हैं, इसी तरीके से हम पत्र लिखते हैं, ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं इसका प्रारूप क्या होता है, क्या इसका फॉर्मेट है, किस तरीके से हमें पत्र को लिखना है। सबसे पहले तो लिखते हैं पता, जो सबसे ऊपर आएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि आपकी बाएं ओर जो आपका प्रेषक है, मतलब जो भेजने वाला है, उसका नाम और पता लिखना है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के लिखनी है दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की डेट लिखनी है। उसके बाद आप लिखेंगे संबोधन। संबोधन क्या होता है? संबोधन, जिस भी व्यक्ति को आप ये पत्र लिख रहे हैं उसके अनुसार, मतलब अगर वो बड़ा है तो आप पूजनीय लिखिए, आदरणीय लिखिए, अगर वो छोटा है तो आप उसके लिए प्रियवर, स्नेही, इन सब शब्दों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं अभिवादन। अभिवादन जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं उसके साथ जो भी संबंध है आपका, तो अगर बड़ा है तो आप कैसे लिखेंगे? सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार। और अगर छोटा है तो आपको क्या लिखेंगे उससे? मधुर प्यार, ठीक है बच्चों। आप देख लेते हैं इसके बाद क्या आता है। इसके बाद लिखना है आपको मुख्य विषय, मतलब ये वो जगह है जहाँ पे आपको जो मेन लेटर है वो लिखना है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे आप इसको तीन अनुच्छेद में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब बांट सकते हैं, मतलब एक आपका पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ। हम हिंदी में पैराग्राफ को अनुच्छेद बोलते हैं ना, तो इसको आप तीन में लिखेंगे। पहले अनुच्छेद में तो आप कैसे लिखेंगे, जब आप शुरुआत करेंगे पत्र की, तो आप लिखेंगे कि मैं यहाँ कुशल हूँ, मैं या हम, और आशा करती हूँ आप भी यहाँ पे कुशलतापूर्वक होंगे, ठीक है, आप भी वहाँ पे कुशलतापूर्वक होंगे। उसके बाद जो दूसरा अनुच्छेद है इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप वो कारण लिखेंगे जिस वजह से आप पत्र को लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा अनुच्छेद होगा, जब आप पत्र को ख़त्म करेंगे उससे पहले क्या करेंगे, अपने परिवार की, जो संबंधियों की कुशलता के लिए कुछ लिखेंगे। जैसे कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, प्यार, ये सब लिख सकते हैं। और उसके बाद हम लेटर का अंत करेंगे, समाप्ति पे आएंगे, जिसमें आपको प्रेषक का संबंध लिखना है, मतलब जैसे आप अगर पुत्र हैं तो आपका पुत्र, पुत्री हैं तो आपकी पुत्री, आपकी भतीजी, इस तरीके से मतलब आपको लिखना है, ठीक है। अब ये देखिए, इन्होंने हमें कुछ काम भी दिया है इसमें करने को। वो काम क्या है? अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित कीजिए, मतलब अपनी बहन को पत्र लिखना है और उसको योगासन की वैल्यू बतानी है और उसको इंस्पायर करना है कि भाई योगासन करो। तो उसके लिए हमें क्या क्या, इन्होंने प्रारूप तो हमें पहले ही बता दिया, एक बार और देख लो, पता लिखेंगे, उसके बाद दिनांक, संबोधन, अभिवादन, और फिर उसके बाद मुख्य विषय, और उसके बाद समाप्ति। तो मैंने आपके लिए ये पत्र लिखा है, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं अपना पत्र लिखने के लिए। देखिए, अपनी बहन को योगासन करने के लिए प्रेरित करने के लिए पत्र,
तो आप इस तरीके से लिखें, एड्रेस C10 यमुना विहार नई दिल्ली, फिर आप एक लाइन छोड़कर डेट लिखेंगे 4 सितंबर, क्योंकि करंट डेट है उस डेट की आपकी कार्यपत्रक है वो लिखी, फिर उसके बाद जो भी आपकी बहन का या भाई का नाम है वो लिखें, उसके बाद सदा खुश रहें। मैं यहाँ कुशल से हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी कुशलतापूर्वक होंगे। कल मुझे पिताजी का पत्र मिला और पता चला कि आप अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। दिन और रात में काफ़ी समय बैठे बैठे पढ़ाई करने के कारण तुम्हारे स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसलिए मेरी सलाह है कि तुम प्रतिदिन प्रातः उठकर 1 घंटे योगासन जरूर किया करो। योगासन करने से तुम्हारा स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही, साथ ही साथ तुम्हारे मन को ताजगी और स्फूर्ति भी मिलेगी, ध्यान करने की शक्ति भी बढ़ेगी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनावपूर्ण हो गई है आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, और तनाव को कम करने में योगासन एक सबसे कारगर उपाय है, ठीक है। उसके बाद आप इस तरीके से लिखें जो आपको बताया गया है। मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरी सलाह पर विचार करोगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे। मम्मी पिताजी को सादर प्रणाम और तुम्हें ढेर सारा स्नेह, तुम्हारा भाई राजेश। तो बच्चों, ये थी आज का आपका कार्यपत्रक नंबर 27। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है और आपको हेल्प मिली है मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद।